शहरवासियों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया दुर्गाष्टमी पर्व। माता मंदिर में आयोजित मेले में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। ज्वालामुखी नवरात्र संघ ने गाजेबाजे के साथ चढ़ाया डूंगरी माता जी को ध्वज। पूर्व संध्या पर आयोजित भजन संध्या में भजनों पर झूमे श्रद्धालु। देलवड़ा रोड पर विद्युत पोल शिफ्ट करने का क्षेत्रवासियों ने किया विरोध। विभाग पर अपने चहेतों को उपकृत करने का लगाया आरोप। जंगल का शस्त्र पूजन कार्यक्रम सम्पन्न। बड़ी संख्या में शस्त्रधारकों ने किया शस्त्र पूजन। नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूँ वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर में नवरात्र पर्व के दौरान दुर्गाष्टमी के अवसर पर विभिन्न देवी मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान मंदिरों में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। दुर्गाष्टमी के मौके पर डूंगरी रोड, आशापुरा माता मंदिर, अजमेर रोड स्थित दादी धाम, सातों बायासा मंदिरों में मेलों की धूम रही। इस दौरान श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में मत्था टेक कर परिवार की खुशहाली की कामना की। इस दौरान मंदिरों में महाआरती का भी आयोजन किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं में प्रसाद व फलों का वितरण कर पुण्य कमाया। इस मौके पर शहर भर के कई क्षेत्रों से श्रद्धालुओं ने गाजे बाजे के साथ माता मंदिरों में झंडे चढ़ाए। झंडा चढ़ाने के समय श्रद्धालु नाचते गाते मंदिर पहुंचे। मेले के दौरान श्रद्धालुओं के आने जाने में महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था की गई। इस मौके पर शाम को आयोजित महाआरती में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। वहीं बच्चों ने मेले में खिलौनों आदि की खरीदारी की। दुर्गाष्टमी के मौके पर शहर के टाटगढ़ रोड स्थित आशापुरा माता मंदिर पर मेले का आयोजन किया गया। मेले के दौरान शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के श्रद्धालुओं ने भाग लेकर आशापुरा माता के दर्शन कर धर्म लाभ प्राप्त किया। इस दौरान महिलाओं में खरीदारी व खाने पीने की चीजों का आनंद लिया। साथ ही श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में हलवा, चना तथा प्रसाद के रूप में फलों का वितरण किया। शहर के देलवड़ा रोड के निवासियों ने बुधवार को पोल शिफ्ट करने पहुंचे विद्युत विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान क्षेत्रवासी विभाग पर अपने चहेतों के उपकृत करने का आरोप लगाते हुए सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाने की शिकायत की। वार्ड पार्षद संपत्ति बोहरा के नेतृत्व में किए गए विरोध प्रदर्शन को देखते हुए विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने अपना काम बंद कर दिया तथा पोल को वहीं पर छोड़कर चले गए। क्षेत्रवासियों ने बताया कि एक ही तरह के काम के लिए विभाग दोहरी नीति अपनाते हुए अपने चहेते लोगों को फायदा पहुंचा रहा है, जबकि अन्य क्षेत्रवासियों पर समान रूप से नियम लागू नहीं किया जा रहा है। मालूम हो कि विद्युत विभाग के कर्मचारी बुधवार सुबह देलवड़ा रोड कोहिनूर मार्बल के पास स्थित गौतम कोठारी के भूखंड में लगे विद्युत पोल को बाहर शिफ्ट करने के लिए पहुंचे। इस बात की जानकारी जब क्षेत्रवासियों को मिली तो बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी एकत्रित हो गए। इस दौरान पार्षद संपत्ति बोहरा भी मौके पर आज कई क्षेत्रवासियों ने कर्मचारियों के आगे विरोध जताते हुए पोल शिफ्टिंग कार्य को बंद करने की चेतावनी दी। क्षेत्रवासियों ने बताया कि विद्युत विभाग ने गौतम कोठारी के भूखंड में लगे पोल को शिफ्ट करने की अनुमति दे दी, जबकि अन्य क्षेत्रवासियों के घरों के सामने लगे पोलों को शिफ्ट करने के लिए मना कर दिया। लोगों ने बताया कि इस प्रकरण में विभाग ने दोहरी नीति अपनाते हुए कोठारी से नियमों का हवाला देते हुए राशि जमा कर ली, जबकि कॉलोनी के अन्य लोगों को इसके लिए मना कर दिया, जिसके कारण लोगों में आक्रोश व्याप्त है। विरोध जता रहे लोगों ने सभी के घरों के सामने लगे विद्युत पोलों को नियमानुसार शिफ्ट करने की मांग की है। विरोध प्रदर्शन करने वालों में पार्षद संपत्ति बोहरा, मानक बोहरा, रामरतन गहलोत, चौतमल नाथावत, टिंकू यादव, रामपाल गहलोत, ललित गहलोत, प्रदीप गर्ग, गीता गहलोत, संतोष देवी सहित अन्य क्षेत्रवासी शामिल थे। हमने तो पैसे जमा कराए साहब, हर आदमी भी कहता आप भी पैसा जमा करो, आप भी रोड पर पोल लियो साहब, ये कोई बात थोड़ी हुई। कोई गरीब आदमी हो तो वो कैसे पोल वापस शिफ्ट कराएगा, जब इन्होंने लगाए अभी 6 महीने पहले तो लगाए ये पोल, 6-7 महीने पहले। अब ये कह रहे हैं साहब ये 10 फुट इधर आएगा। किसने लगाए पोल ये साहब? RSCB वालों ने लगाए थे
और अब ये कहते हैं साहब, वो ठेकेदार कहता है साहब हमारे पास तो परमिशन है, वो जी 10 फुट साहब इधर आना चाहते हैं, तो नगर परिषद के खर्चे से पोल लगाए ये। नंबर 43 का एरिया दिन है तो देख लो आज सड़क आधी आधी नाप लो बोली, नियम के अनुसार चलो, मैं कायम हूँ। आज बटीले तो खंबा अरका दिया, टेट मकाना का माया ने अट दीवार भी बार 6 महीना पहले तो दीवार का पास में खंबा लगाया, अब दीवार के रोड पे खंबा लगा वाला आ गया ई वार्ड में ने, और मारा वार्ड में तो मतलब गाल दिया टेट मकाना का माया ने, मकान तोड़ दिया और नियम का अनुसार है ही नहीं यार। आज जमीन पहले भी तो पड़ी है, पहले भी तो साइड में पहले भी खंबा लगाया नगर परिषद, तो फिर ई होती लगा लेता नहीं, इतनी जमीन छोड़ लगाया फिर क्या, मैं तो रोड पर खंबा लगाऊँ। मेरे घर के माँ ने बड़ा पोल मेरे कोने घर के अंदर लगा हुआ है दीवार के अड़ा के, और वहाँ रोज जानवर मरते हैं, रोज भरते हैं, और जब एक आम इन्हें नाप के पोल लगाए, हमने दीवार दुकान हमारी तोड़ी, मकान तोड़ के फिर पोल लगाया, फिर ये पोल था, अब एक आम यह क्यों लग रहे हैं। पैसे अगर चाहते हो तो हम भी जमा करा दें, हम भी एक आम हमारा पोल भी हटा के आप एक आम उसको इसको लगाओ रोड के अंदर। शहर के राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय तथा मदल चाइल्ड विंग में फायर फाइटिंग सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है। नए सिस्टम के तहत अब आग लगने की स्थिति में तुरंत अलार्म बजने लगेगा ताकि सुरक्षाकर्मी सतर्क हो सके तथा तुरंत आग लगने के स्थान पर पहुंचकर आग बुझाने के प्रयास शुरू करें ताकि किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं हो। इससे समय बचने के साथ साथ आग लगने के साथ ही सूचना भी तुरंत ही पहुँच जाएगी। राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में विगत दिनों लगाए गए फायर फाइटिंग सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए अस्पताल प्रशासन की ओर से सिद्धार्थ टेक्नो इलेक्ट्रिकल्स को इसका टेंडर दिया गया है। टेंडर जारी होने के बाद बुधवार से कंपनी की ओर से अस्पताल परिसर में अलार्म लगाने का काम भी शुरू कर दिया गया। बुधवार को कंपनी के टेक्नीशियन अंकित दुबे, राहुल शर्मा तथा अभय शर्मा ने अपना काम शुरू किया। सिस्टम के तहत अस्पताल परिसर में कई स्थानों पर सर्किट बनाकर वहां भी अलार्म लगाए जाएंगे ताकि अगर किसी भी कारणवश आग लगती है तो तुरंत प्रभाव से अलार्म बज उठेगा और इसकी जानकारी सुरक्षा गार्डो तक पहुँच जाएगी। मालूम हो कि विगत दिनों राजधानी के एक अस्पताल में अचानक लगी आग की घटना में हुए नुकसान तथा उसकी भयावहता को देखते हुए राज्य सरकार के चिकित्सा विभाग ने इस प्रकार का कदम उठाया है। सेंता रोड प्रताप नगर स्थित नव दुर्गा मित्र मंडल की ओर से विगत 6 वर्षों से चलाए जा रहे एक शाम माँ के साथ कार्यक्रम के तहत मंगलवार रात्रि में भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राधा कृष्ण भजन मंडली के नरेश कुमार तथा अन्य कलाकारों द्वारा देर रात तक माता के दरबार में एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी गई। गणेश वंदना के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में भजन गायकों ने 64 जोगनी माए, हीरा मोतिया सु नजर उतार दू, कोठड़ा ले चालो माने कोटड़ा ले चालो सहित एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत कर भजनों की गंगा बहाई। इस दौरान आकर्षक झांकियां भी सजाई गई। कार्यक्रम में नगर परिषद सभापति श्रीमती शशिबाला सोलंकी, विहिप के अजय शर्मा, प्रवीण कुमार, बजरंग दल के लक्की मकवाना, कुलभूषण उपाध्याय तथा हास्य कलाकार ओम महावर ने अतिथियों के रूप में शिरकत की। इस मौके पर नव दुर्गा मित्र मंडल के मोनू कुमावत, कृष्ण गोपाल, यशवर्धन, मनीष नाथ, धर्मवीर, कुलदीप, राजेंद्र प्रसाद सहित प्रताप नगर निवासी उपस्थित थे। श्री ज्वालामुखी नवरात्र संघ की ओर से 31वीं बार ध्वज चढ़ाने की परंपरा निभाई गई। संघ के सदस्यों ने अजमेर रोड से 8 किलोमीटर दूर स्थित ज्वालामुखी माता मंदिर डूंगरी में पदयात्रा के जरिए ध्वज चढ़ाया। कार्यक्रम संयोजक हेमंत शर्मा ने बताया कि करीब 24 फीट ऊंचे ध्वज को हर वर्ष डूंगरी पर अर्पित किया जाता है। पदयात्रा अजमेर रोड से शुरू होकर सतपुलिया, भगत चौराहा, छावनी मार्ग होते हुए डूंगरी पहुंची। मार्ग में कई जगह पुष्प वर्षा से शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। इस मौके पर सुभाष चौधरी, अनिल भोजक, चेतन शर्मा, नौरत्मल चौहान, कमल शर्मा, सोनू भाटी, हेमेंद्र शर्मा, तरुण शर्मा, रवि डंडायत, लक्ष्मी नारायण सोनी, हरिओम शर्मा, शंकर गुर्जर, अनिल सोलंकी, प्रदीप शर्मा, गिरिराज शर्मा, गजेंद्र तंवर, ईश्वर चौधरी, राजेंद्र सोमानी, माल सिंह प्रजापति, जीतू सेन, नितेश दगदी, महेंद्र चौहान, सलीम काठात, सूरज त्रिपाठी, शेरू शर्मा, रिंकू शर्मा, नरेंद्र पारिक तथा निक्कू पंजाबी आदि मौजूद थे।
शहर के देलवा रोड बसंत विहार कॉलोनी निवासी शंकरलाल प्रजापति परिवार की ओर से मनाए जा रहे दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान मंगलवार शाम को श्री श्याम भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भजन संध्या कार्यक्रम में श्री श्याम परिवार के सदस्यों ने मां दुर्गा के दरबार में एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत कर उपस्थित श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान विष्णु पारिक ने गणेश वंदना प्रस्तुत करने के पश्चात पितर पधारो हमारे आंगने विजय मंडोरा तथा निन्नी मंगल ने श्याम बाबा के भजनों की भावपूर्ण प्रस्तुति दी। इस दौरान उन्होंने हारे के सहारे श्याम बाबा हमारे सहित अन्य भजन प्रस्तुत करते वातावरण को श्याममय बना दिया। इस दौरान पंडित खेमचंद शर्मा, पंडित रामावतार शर्मा, शंकरलाल प्रजापति, ओम प्रकाश, राजेश, राकेश, पुखराज, महेश, दिनेश, दीपक, अरुण प्रजापति, सत्यनारायण शर्मा, विश्वास दग्दी, सतीश गर्ग, राकेश तरुका, उपेंद्र नाथ, गजानंद शर्मा, अशोक जांगीर, धर्मेंद्र सिंह, पवन गोठवाल, राजेश शर्मा, हितेश, मनीष, वरुण तथा जयेश प्रजापति सहित अन्य श्रद्धालु उपस्थित थे। दुर्गा पूजा महोत्सव का समापन शुक्रवार को विसर्जन के साथ किया जाएगा। इस मौके पर शुक्रवार को दोपहर बाद बसंत कॉलोनी से हर्षोल्लास धूमधाम से विसर्जन यात्रा निकाली जाएगी। शंकरलाल प्रजापति ने शहर के सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से विसर्जन यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर धर्म लाभ प्राप्त करने का आग्रह किया है। शहर के गढ़ी हाउसिंग बोर्ड चौराहे स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार सुबह दो बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में एक बाइक पर सवार दो विदेशी पर्यटक तथा एक दूसरी बाइक पर सवार घायल हो गए। घटना के बाद तीनों घायलों को हाईवे एम्बुलेंस के माध्यम से उपचार के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर उनका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार टोंगो निवासी डेनियल तथा स्पेन निवासी मरियम एक बाइक पर सवार होकर जोधपुर से जयपुर के लिए निकले थे। बताया जा रहा है कि बुधवार सुबह गढ़ी हाउसिंग बोर्ड चौराहे के समीप उनकी टक्कर सामने से आ रही एक अन्य बाइक से हो गई। इस दौरान डेनियल मरियम तथा एक अन्य बाइक सवार श्रीमती मंजू पत्नी भागचंद निवासी सोपुरा करनोज घायल हो गई। तीनों को उपचार के लिए एकेश में भर्ती करवाया। घटना की जानकारी के बाद सदर थाना पुलिस भी अस्पताल पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। इस दौरान डेनियल ने सदर थाना पुलिस को इस प्रकरण में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं चाहने के लिखित में प्रार्थना दी। इसके बाद दोनों को अजमेर के लिए रेफर कर दिया गया। खबरों में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शहर के एकेच मार्ग स्थित कैपिटल हाई स्ट्रीट के निर्माणाधीन व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स परिसर में मंगलवार रात में माता की चौकी भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आरटेक ग्रुप की ओर से 1,00,000 वर्ग फीट का निर्माण कार्य पूर्ण कर लेने के उपलक्ष्य में आयोजित उक्त कार्यक्रम में दिल्ली के पंजाबी गायक चन्नी मस्ताना ने आकर्षक रूप से सजे माता रानी के दरबार में देर रात तक एक से बढ़कर एक माता जी की भेंटे तथा भजन प्रस्तुत कर उपस्थित श्रोताओं को नृत्य करने पर मजबूर कर दिया। गणेश वंदना के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में चन्नी मस्ताना ने प्यारा सजा है दरबार भवानी तथा एक बार माँ आ जाओ फिर आके चली जाओ सरीके भजन प्रस्तुत कर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। गायक मस्ताना ने इस दौरान एक गुजराती भजन पर उपस्थित श्रद्धालु को गरबा रास भी करवाया। इस मौके पर आयोजित पार्षद गुरु बच्चन सिंह परिवार की ओर से आमंत्रित शहरवासियों का स्वागत किया गया तथा रियल इस्टेट ग्रुप की उपलब्धियों से अवगत कराया। देर रात तक चले कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों तथा गणमान्य नागरिकों ने शिरकत की। एक बार आ जाओ फिर आगे चली जाना, मैं देखूंगा इधर से आवाज दे रहा, दोनों हाथ भर के देगा। एक बार आ जाओ, थोड़ी सी आवाज और तेज चाहिए मुझे। निकटवर्ती भगतपुरा गांव में एक प्रसादी के दौरान गर्म दाल गिर जाने के कारण दादी पोती गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें उपचार के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय लाकर भर्ती कराया, जहां उनका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार जितरा निवासी भवरी पत्नी भीमा अपनी पोती रुकसान पुत्री पप्पू काठात के साथ भगतपुरा किसी प्रसादी में गए थे। बताया जा रहा है कि इस दौरान भीड़ में अचानक गर्म दाल के बर्तन से टक्कर लगने के कारण पलट गया, जिससे भवरी एवं रुकसाना पर गर्म दाल गिर गई और दोनों झुलस गई। वहां मौजूद लोगों ने दोनों को संभाला और एकेश लाकर भर्ती कराया, जहां उनका उपचार जारी है।
श्री ज्वालामुखी नवरात्र संघ की ओर से मंगलवार रात्रि गतिशील भजन संध्या का आयोजन किया गया। रंग बिरंगी रोशनी में सजे पांडाल में देर रात्रि तक श्रद्धालु माताजी के भजनों पर झूमते रहे। कार्यक्रम में छोटो सिंह रावना एंड पार्टी की ओर से एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। भजन कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना के साथ हुआ। इसके पश्चात वो महाराणा प्रताप कटे लौट के आजा मेरे हनुमान, प्यारा सजा है दरबार तथा 64 जोगनी जैसी अनेक भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम में लोक कलाकार सैनी माली छवर लाल गहलोत व सैनी खुशबू कंवर ने भी प्रस्तुतियां दी। मंच का संचालन यश महावर ने किया। भजन संध्या कार्यक्रम के दौरान सुभाष चौधरी, अनिल भोजक, गोविंद शर्मा, सुरेश उपाध्याय, चेतन शर्मा, नौरत्मल चौहान, कमल शर्मा, सोनू भाटी, रवि डंडायत, लक्ष्मी नारायण सोनी, हरिओम शर्मा, शंकर गुर्जर, अनिल सोलंकी, प्रदीप शर्मा, गिरिराज शर्मा, गजेंद्र तंवर, ईश्वर चौधरी, राजेंद्र सोमानी, माल सिंह प्रजापति, जीतू सेन, नितेश दगदी, सलीम काठार, नरेंद्र पारिक तथा निकू पंजाबी आदि मौजूद थे। दुर्गाष्टमी के मौके पर बुधवार को विहिप तथा बजरंग दल की ओर से शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर के टाटगढ़ रोड स्थित आशापुरा माता मंदिर प्रांगण में आयोजित शस्त्र पूजन कार्यक्रम का शुभारंभ विहिप के केंद्रीय मंत्री उमाशंकर शर्मा ने मां दुर्गा के चित्र के समक्ष ज्योत प्रज्वलित कर किया। इसके पश्चात मंत्रोच्चारण के साथ शस्त्रों का पूजन किया गया। इस दौरान विहिप तथा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जयकारा वीर बजरंगी, राणा की जय जय, शिवा की जय जय, भारत माता की जय सहित अन्य नारे लगाते हुए वातावरण को गुंजायमान कर दिया। इस दौरान विहिप के सुरेश वैष्णव, अजय शर्मा, पृथ्वी सिंह भोजपुरा, रामेश्वर बाबा, लक्की मकवाना, हनुमान बन्ना, हरमेश सिंह, कमल बाकलीवाल, बाबू सिंह तथा हेमंत पहलवान सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। दिलवाड़ा रोड स्थित भैरू जी के मंदिर पर बुधवार को नवरात्रा महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान 9 दिनों तक भक्तिभाव का अनूठा उदाहरण मंदिर परिसर में देखने को मिला। जिन जात्रों की मन्नतें पूरी हुई उन्होंने मंदिर परिसर में झंडे चढ़ाए। झंडों को मुख्य उपासक सुंदर टाक ने स्वीकार किया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बैंड बाजे तथा ढोल ढमाकों की थाप पर नाचते गाते झंडे चढ़ाए तथा बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर प्रदेश के जोधपुर, पाली, गंगानगर, भीलवाड़ा, सुमेरपुर, चित्तौड़गढ़, भरतपुर तथा एमपी के रतलाम, इंदौर, मंदसौर सहित ब्यावर शहर के आसपास के क्षेत्र के श्रद्धालुओं ने बाबा के थान पर झंडे चढ़ाए। इनमें अधिकांश वे लोग शामिल थे जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई है और असाध्य रोगों से मुक्ति मिली है। मालूम हो कि मुख्य उपासक टाक विगत 21 वर्षों से इस मंदिर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं तथा बिना चढ़ावे के यहाँ से कोई भी भक्त निराश नहीं जाता है, ऐसी मान्यता है। वही लंबे समय से मदन भाई कोतवाल के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मंदिर में बुधवार को झंडे की रस्म अदा करने के बाद निसंतान दंपतियों की गोद भराई की रस्म अदा की गई। इस मौके पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। मंदिर परिसर को आकर्षक लाइटों से सजाया गया तथा श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में हलवा वितरित किया गया। बुधवार को मंदिर में शिवदास भाऊ, अशोक मास्टर, पिंटू, पप्पू, विमल चौहान, कमलेश, कमल टाक सहित अन्य श्रद्धालुओं ने अपनी सेवाएं दी।
शहर के डीएवी कॉलेज मार्ग स्थित गणेशा टावर में बुधवार को रेडीमेड गारमेंट की श्रृंखला में अदिति क्रिएशन के शोरूम का भव्य शुभारंभ किया गया। प्रोप्राइटर राजकुमार बंबानी ने बताया कि अदिति क्रिएशन शोरूम का शुभारंभ 10 साल तक के बच्चों के कपड़ों की विशाल रेंज के साथ किया गया है। यहाँ पर बच्चों की जीन्स शर्ट पैंट फ्रॉक सूट बाबा सूट टी शर्ट कैफरी डागरी तथा पीस सूट तथा शेरवानी सहित अन्य कपड़ों की वैरायटी उपलब्ध है। शोरूम के शुभारंभ के मौके पर जगदीश भंबानी नीरज सामरिया मनोज राकेश राठौर मनीष व्यास यशवंत चौहान तथा शेषमल आदि उपस्थित थे। शहर के निकटवर्ती ग्राम चढ़ावट स्थित हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक सूफी संत हजरत दीनाशाह बाबा की दरगाह में इस वर्ष भी 3 दिवसीय विशाल उर्स कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 19 से 21 अक्टूबर तक आयोजित 3 दिवसीय उर्स के दौरान विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाएंगे। नौजवान कमेटी के महामंत्री गुलजार राही के अनुसार सालाना उर्स का आगाज 19 अक्टूबर को नौजवान कमेटी की ओर से उर्स का झंडा चढ़ाने के साथ होगा। इसके पश्चात 20 अक्टूबर को दरगाह परिसर में शानदार कव्वाली मुकाबले का आयोजन किया गया है। इस मौके पर बदायु उत्तर प्रदेश के मशहूर कव्वाल जुनेद सुल्तानी तथा कानपुर की कव्वाला शिबा परवीन अपने अपने कलाम पेश करेंगे। अगले दिन 21 अक्टूबर को महरूम फिरोज पहलवान की स्मृति में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसी तरह दोपहर 2 बजे कुल की रस्म के साथ 3 दिवसीय सालाना उर्स का समापन होगा। कमेटी के पप्पू काठात के अनुसार दरगाह परिसर में सालाना उर्स की तैयारियां शुरू हो गई है। परिसर में साफ सफाई तथा रंग रोगन का कार्य शुरू हो गया है। उर्स की तैयारियों तथा व्यवस्थाओं को लेकर लाल मोहम्मद पप्पू काठात नवाब चाचा गुलजार राही देवकी नंदन शर्मा चांद मोहम्मद याकूब अली इब्राहिम काठात रज्जाक काठात सलीम सोनी तथा चांदमल सोनी आदि को जिम्मेदारियां सौंपी गई है। प्राचीन सार्वजनिक जय अम्बे दुर्गा माता मंदिर व श्री नाकोड़ा भैरू जी मंदिर विकास समिति गढ़ी थोरियान हाउसिंग बोर्ड में नवरात्र पर्व के 8वें दिन बुधवार को प्रातः मंदिर को विशेष गुलाब के फूलों से सजाया गया तथा मां दुर्गा की 8वीं शक्ति महागौरी का विशेष श्रृंगार कर पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर प्रातः एवं सायकालीन महाआरती की गई। अष्टमी का विशाल मेला भरा जिसमें बाहर से पधारे हुए कलाकारों ने माता जी व श्री नाकोड़ा भैरू जी के भजनों की प्रस्तुति दी जिससे समस्त श्रद्धालु नतमस्तक हो गए। अष्टमी के अवसर पर 51 कन्याओं को भोजन कराया गया तथा महाप्रसाद का वितरण किया गया। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपनी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। शहरवासियों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया दुर्गाष्टमी पर्व। माता मंदिर में आयोजित मेले में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। ज्वालामुखी नवरात्र संघ ने गाजे बाजे के साथ चढ़ाया डूंगरी माता जी को ध्वज। पूर्व संध्या पर आयोजित भजन संध्या में भजनों पर झूमे श्रद्धालु। देलवाड़ा रोड पर विद्युत पोल शिफ्ट करने का क्षेत्रवासियों ने किया विरोध। विभाग पर अपने चहेतों को उपकृत करने का लगाया आरोप। का शस्त्र पूजन कार्यक्रम सम्पन्न। बड़ी संख्या में शस्त्रधारकों ने किया शस्त्र पूजन।